ऑल राइट नवजोत, चलो स्टार्ट करते हैं अब हम वीक 2 के बारे में, जहाँ पे तूने अब जो शूटिंग की है वो वीडियो प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से की है, जिसमें हमने एक एक डिटेल ऑफ मैकेनिक्स को करेक्ट रखने की कोशिश की है। अभी ये जो सोर्स है, ये जो वीडियो अब किया है हमने, ये हमारे लिए उतना ही रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उतना ही डिटेल की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जितनी हमारी मैकेनिक्स शॉट में हमारी वीडियो रेफरेंसेस होती थी। तो अभी जो हमारी मूवमेंट्स हैं वो कोरियोग्राफ्ड होनी चाहिए फॉर द एनिमेटेड लैंग्वेज। तो एनिमेशन की लैंग्वेज है, जैसे हमारे कैरेक्टर ने बिहेव करना है उसके हिसाब से हमारी मूवमेंट्स अभी कोरियोग्राफ्ड होनी चाहिए। जो पहले हम कर रहे थे वो एक्टिंग चॉइसेस थे, वो सोर्स ऑफ आइडियाज था, जहाँ पे हमें अगर हमने किसी और एक्टर से भी रेफरेंस लेनी हो ना, मान लो कि किसी रियल एक्टर को हम बोले कि यार हमारे लिए रेफरेंस कर दे, तो हम उस वो बहुत रियलिस्टिक एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, तो उसकी जो शूटिंग होगी उसको हम एज इट इज़ कैरेक्टर में नहीं डाल पाएंगे। हमें उसको जो है शूट करके, फिर उसको स्टडी करके, फिर हमें खुद या कोई और एनिमेशन लैंग्वेज समझता हुआ बंदा उससे वीडियो प्लानिंग दोबारा करवानी बेटर रहती है, क्योंकि हम इस फेज में एग्जैक्टली वैसे कोरियोग्राफ करते हैं अपनी मूवमेंट्स को जैसे हमारे कैरेक्टर ने करना है। कार्टूनी है जो हमने कॉम्पोजिशन सोची हुई है कि भैया पहले इधर झुकेगा फिर इधर झुकेगा। रियलिस्टिक एक्टर जो है वो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह ऐसी परफॉर्मेंस देगा जो एकदम बिलीवेबल है। हमें क्या चाहिए, जो एक एनिमेटेड लैंग्वेज के हिसाब से डिजाइंड भी है ना। तो अभी हम डिज़ाइनिंग की थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें बहुत डिटेल ऑफ मैकेनिक्स चाहिए, एग्जैक्टली वैसे चाहिए जो हम एज इट इज़ उठा के उसके नोट्स अगर अपने पोजेस में डालें तो वो वर्क करें, राइट। ओके, मैं एक बार प्ले करता हूँ फिर मैं बात करता हूँ इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ। देख, सबसे पहले तो क्या हो रहा है कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये ध्यान से नोट करते रहना, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो सारी हमने ठीक करनी है। हम चाहते हैं कि उसने वो देख रहा था, अब मैं अपना कैमरा एंगल तेरे से कुछ मैच कर लूँ, वो अब उसके राइट में है ना। हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट ओके। तो हम क्या चाहते हैं कि वो मोबाइल पे पढ़ रहा है, एंड पढ़ते हुए उसको अचानक कुछ, मैं थोड़ा और पीछे हो जाऊँ, तो उसको अचानक कुछ दिखाई दिया, तो इतना बड़ा रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो उस असली में अगर इंसान को कुछ दिखाई देता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बॉडी से रिएक्ट करे, लेकिन एनिमेटेड लैंग्वेज में हम ऐसा करते हैं। तो बस उतना का जिससे थोड़ा ऑडियंस को लगे कि इसके माइंड को कुछ हिट हुआ है, क्योंकि अभी इस शॉट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें माइंड एनिमेशन दिखाना है, तो माइंड एनिमेट होता हुआ दिखना चाहिए। तो जब वो देख रहा था तो उसको अचानक से किसी चीज़ पे हंसी आई, तो एक स्मॉल सा रिएक्शन एज इफ कि कुछ हिट हुआ है उसको देखने से। अब उसका इम्पल्स जो है, माइंड का इम्पल्स चेंज हुआ है, पढ़ रहा था अचानक इट कॉजेज लाफ्टर और समथिंग, कुछ वो थॉट आया है उसके, तो हैरानी नहीं हुई उसको, उसको सिर्फ कुछ हिट हुआ है, ठीक है, ताकि एक स्टार्टिंग पॉइंट हो कि हाँ कुछ हुआ, अब उसको हंसी आ रही आएगी। तो ये करने के बाद, हल्का सा एक हिट देने के बाद, पोज हिट करने के बाद, फिर हा। अब ये जो हंसी है ना, अभी देख, अभी तू, अब हम जो रेफरेंस कर रहे हैं ना उसमें ऑलमोस्ट लग रहा है जैसे कि करंट लग गया बॉडी को। हो सकता है कोई बंदा ऐसे हंसता भी हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं नॉइस, जो हमारी रियल मूवमेंट्स में होती है बॉडी की, हो सकती है वो हम अवॉइड करते हैं एनिमेटेड लैंग्वेज में। बहुत ज़्यादा नॉइस की ज़रूरत नहीं है, उसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, या इसको बोलते हैं एम्फेसाइज कर देते हैं, या
इसी को बोलते हैं डिज़ाइन कर देते, सिंप्लीफाई बोलो, एम्फेसिस बोलो या डिज़ाइन बोलो, सिमिलर मीनिंग है। तो हम अगर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हंस रहा है, हाँ तो सिंप्लीफाई इट, तो इसको कोरियोग्राफी भी बोल सकते हैं, लेट्स कोरियोग्राफ इट। तो जब वो हंसा हा, तो क्या करो तुम, मे बी इसको कोरियोग्राफ कर कि वो चार बार करेगा ऐसे, देख ये हुआ, हा, और मोमेंट्स को स्लो मोशन में खुद के लिए करके देखना, क्योंकि इतना कंट्रोल अभी हमें चाहिए, तो स्लो मोशन में कर और डिज़ाइन कर अपने माइंड से, समझ कि क्या करना है हमने। तो चार बार में भी हंसा और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी को एम्प्लीफाई कर, एक गुड डिज़ाइन क्रिएट होगा, यानी वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, समझा, मोनोटोनी भी नहीं, तो धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, बिल्डअप इज द राइट वर्ड, कि उसने हिट किया, अब उसको हंसी आनी शुरू हुई, समझ में आ रही कोरियोग्राफी, पहले स्मॉल एकदम कंट्रोल में, जैसे एक डांस मूव्स हो रहे होते हैं, तो इतना ही कर ले अलग से शूट, तभी हम मल्टीपल शूट्स करते हैं। ये किया उसने, फिर चार बार, फिर चार बार करने के बाद फिर पीछे गया, ये मे भी तीन बार हो, लेकिन बिल्डअप सा मज़ा आना चाहिए, यानी बिल्डअप के बाद लास्ट वाला थोड़ा बड़ा, जैसे जब हंस रहा था फिर मोनोटनी भी नहीं कि एक ही जगह मशीन की तरह लगा हुआ है, ऐसे भी नहीं, तो बिल्डअप ये, फिर फिर ये वाला हुआ पीछे वाला, और उसके बाद फिर हमने वैरायटी देने के लिए सिर नोट दिया, तो कोरियोग्राफ इतना नाइसली कर, जैसे हम एक डांस मूव को बार बार कर पाते हैं ना, अगर इसी ने डांस सीखा हो, तूने एक पर्टिकुलर गाने के लिए डांस सीखा हो, तो मैं तुझे बोलूँ ये स्टेप कर, तू 10 बार सेम स्टेप कर लेगा ना, तो तुझे अभी जो मूवमेंट्स है ना, वो एक एक मूवमेंट को वैसे ही इसको एब्जॉर्ब कर, उसको याद कर मूवमेंट को, ताकि तू वो रिपीट कर सके। अगर मैं जो तूने अभी मेरे को वीडियो रेफ में किया है, मैंने अगर मैं तेरे को बोलूँ एग्जैक्टली उस चीज़ दोबारा करके दिखा, तू नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अभी हम जिस तरह की लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसमें हम जो अभी वीडियो प्लानिंग कर रहे हैं, इसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए एनिमेटर को, कि वो एग्जैक्टली उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब्ड हो, कि मुझे ये मूवमेंट्स करवानी है अपने कैरेक्टर से, समझ में आया। तो पहले जितने मर्जी एक्सप्लोर करके देख लो, उसके बाद नेल डाउन, फ्रीज करो मूवमेंट्स, क्योंकि अभी हमने फ्रीज तो करनी है 3D में या कागज़ में या जैसे भी कोई करता है, तो वहाँ तो एग्जैक्ट एक एक मूव कैलकुलेटेड है, तो उससे पहले बॉडी में ही वो स्टोर कर लेनी चाहिए इन्फॉर्मेशन कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो इतना इकट्ठा नहीं हो सकता, तो पीसेस में करो, पहले इसी की प्रैक्टिस कर, तो एग्जैक्टली जान कि मैं क्या करने वाला हूँ, अपनी बॉडी से फील करके, सेल्फ जेस्चर जो निकोलेट्स की टेक्निक है, उससे फील करके इस चीज़ को फ्रीज कर, देख मैं अब करते करते मेरे को याद हो रहा है क्या होने वाला है, और करते करते मैं डिसीजन भी ले रहा हूँ, मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए एक एक मूव की, स्लो मोशन में भी कर पाना चाहिए, एक्चुअल स्पीड में भी कर पाना चाहिए, एज इफ तू एक डांस सीख रहा है। तो इस मूव को अच्छे से याद कर ले, रिपीट कर ले, तम कोरियोग्राफ्ड क्लीन बन जानी चाहिए। उसके बाद पीछे गया, मे बी तीन है जैसे, तो पहले धीरे करके देख, फिर फास्ट कर, क्लीन मूव होनी चाहिए, उसके बाद तू उसको शूट करे, तो तुझे बहुत प्रेजेंटेबल परफॉर्मेंस लगनी चाहिए, जैसे एक
एनिमेटेड कैरेक्टर की होती है। ठीक है, अभी देख कितनी नॉइस है, अभी मेरी ये बातें सुनने के बाद देखना तुझे कैसा लगेगा। अनलिमिटेड हो रहा है, हम बना नहीं पाएंगे वो, देख ऑसिलेट हो रहा है, जर्क लग रहा है, करंट जैसा लग रहा है, अनलिमिटेड कितने शेक्स बनाएंगे यार, मर जाएंगे आराम से, 1, 2, 3, 4 फिर 2, 3, बस उसमें हमें वो वाइब्रेशन वाली फील देनी है कि हंसा है शोल्डर वाली, तो इतना ये सब नहीं, इसको भी डिजाइन कर के हा, तो 1, 2, 3, 4 हा, हा, 1, 2, 3, 4 तो बार बार करके देख, डांस की तरह याद होना चाहिए वो चीज़, तो दोबारा कर पाए इतना क्लीन। फिर ये जो हुआ, ठीक है, इससे बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग तैयार होती है, अगर हम अपनी बॉडी को सही से, जो एनिमेटर्स अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से यूज़ करना सीख जाते हैं ना, वो इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उनको और उनके डायरेक्टर्स को कभी टेंशन ही नहीं होती कि अपनी बॉडी से, ये इजीएस्ट प्री प्लानिंग है, ये इजीएस्ट प्री एनिमेशन है, तुम्हारा कैरेक्टर भी इंसान है, वो भी बिलीवेबल चलना चाहता है, और तुम बॉडी से उससे बहुत क्लोज परफॉर्म कर सकते हो, और इसके लिए एक्टिंग की ज़रूरत नहीं है, जस्ट तुम रिपीट करते जाओ, वो मूवमेंट याद हो जाती है बॉडी में। तो भैया इतनी स्ट्रांगली स्टूल को यूज़ किया जा सकता है, और एक्चुअली जो टॉप क्वालिटी परफॉर्मेंसेस क्रिएट करते हैं वो उसको बहुत यूज़ करते हैं, जो बाद में यूज़ नहीं करते वो इसलिए क्योंकि वो कर करके उनकी हैबिट में चला जाता है। तो ये नहीं है कि हम बोलें कि यार फलानी लेवल पे कोई बंदा जो नहीं यूज़ कर रहा और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वो इस लर्निंग कर्व से होके गुजरा है, तो अभी हमें ये करना है, तो हमारी स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग होगी। ठीक है जी, आई होप समझ में आ गया, बाय, टेक केयर।